वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी बुक। फाइंड द वैल्यू ए एंड बी इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स ए एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल 3 एंड एफ एक्स इक्वल बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ 3, तो तीनों इक्वल होंगी, तो उस कंडीशन में हमें ए एंड बी की वैल्यू गिवन करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग 3 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 3 माइनस एच। 3 माइनस होने के कारण लेस देन 3 है। जब लेस देन 3 है तो हमारा ये फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प लेंगे, तो एक्स की जगह रिप्लेस करने पर ए 3 माइनस एच प्लस 1, एच टेंडिंग 0, तो जैसे ही एच की वैल्यू रखेंगे तो ये 3 ए प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड 3 ए प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट करते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग 3 प्लस, तो मोर देन 3, तो मोर देन 3 पर ये कंडीशन, यानी ये फंक्शन, हम इस फंक्शन की हेल्प लेंगे, तो एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 3 प्लस एच, तो एक्स की जगह रिप्लेस लिमिट एच टेंडिंग 0 बी 3 प्लस एच प्लस 3। एच टेंडिंग 0, जैसे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहां से 3 बी, तो 3 बी प्लस 3, लेफ्ट हैंड से हमारी 3 ए प्लस 1, राइट हैंड से वैल्यू 3 बी प्लस 3 एंड एफ 3। अब एफ 3 के लिए लेस देन इक्वल 3, तो ये फंक्शन अगेन, इस फंक्शन की अगेन हेल्प लेंगे, तो ए की जगह 3, एक्स की जगह 3 ए प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ 3, तो ये हमें गिविन है, क्वेश्चन के अनुसार गिविन है, तो ये कंडीशन हमें गिविन है, तो जब ये क्वेश्चन कंडीशन हमें गिविन है तो उसके अकॉर्डिंग हम एल एच एल की वैल्यू हमारी 3 ए प्लस 1, राइट हैंड की वैल्यू हमारी 3 बी प्लस 3 एंड इसी तरह एफ 3 की वैल्यू 3 ए प्लस 1, 3 ए प्लस 1, तो ये और ये तो वैल्यू सेम है, तो इसमें से कोई सी एक सॉल्यूशन इसके साथ 3 बी प्लस 3 इक्वल 3 ए प्लस 1। अब 1 को लेफ्ट हैंड, तो 3 प्लस 2 इक्वल 3 ए, 3 से बोथ साइड डिवाइड, तो बी प्लस 2 बाई 3 इक्वल ए, तो दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो इट्स आंसर क्वेश्चन नंबर 17। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स नॉट इक्वल 0 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर 0। तो ये हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल 0, तो उस कंडीशन में हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन करनी है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 1,
तो हमें व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल 1 यानी लैम्डा की वैल्यू पे फिर डिस्कस करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले हम एट x इक्वल 0 इक्वल f 0, जैसे यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा 0 माइनस 0 इक्वल 0, तो f 0 हमारी 0। एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग 0 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एस टेंडिंग 0 एफ 0 माइनस एच, तो लेस देन 0, तो लेस देन 0, तो लिमिट एस टेंडिंग 0 लैम्डा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच, तो एच की वैल्यू 0, तो कंप्लीट 0, तो दैट इज 0। आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 0 प्लस एच, तो मोर देन 0, तो मोर देन 0 पे ये वाला फंक्शन हमें गिवन है, तो एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं लिमिट एच टेंडिंग 0 फॉर 0 प्लस एच प्लस 1। तो जैसे ही एच की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें 1 गिवन होता है। अब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 0। तो एल एच एल आर एच एल, अब यहां से हमारी वैल्यू यानी 0 इंटू लैम्डा, 0 इंटू लैम्डा इक्वल 1, तो लैम्डा इक्वल 1 अपॉन 0, तो नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू नो रियल नंबर, तो उस कंडीशन में यदि एक्स इक्वल 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा हमारा नो रियल वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड में हमें लैम्डा इंटू 0, 0 लैम्डा इक्वल 1 रखा, क्योंकि एफ राइट हैंड हमारा 1 गिवन हुआ, तो उस समय कंडीशन के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू 1/0, तो नो रियल नंबर, तो 0 के लिए हमारा कंटिन्यूटी यानी लैम्डा की वैल्यू नो रियल नंबर। अब इसी तरह हम एट एक्स इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं कंटिन्यूटी लैम्डा की वैल्यू एट एक्स इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं, तो एट एक्स इक्वल 1, अब जो हमारा ये फंक्शन है ये लेस देन 0 है, तो 1 माइनस 0 के लिए इस फंक्शन को नहीं ले सकते, 1 माइनस यानी अब हमारा ग्रेटर 0 है, तो ग्रेटर 0 लेफ्ट हैंड भी इसी पर, राइट हैंड भी इसी पर और इक्वल भी इसी पर चलेगा। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल 1 एफ 1 इक्वल 4 इंटू 1 प्लस 1, ग्रेटर 0 होने के कारण 1 के इक्वल भी हो सकता है, तो एफ 1 की वैल्यू हमारी 5। अब इसी तरह लिमिट एक्स टेंडिंग 1 एफ एक्स, तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक साथ ही दोनों फंक्शन गिविन करते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 1 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग 0 4 1 प्लस एच प्लस 1, एच की वैल्यू 0, तो 4 प्लस 1। अब क्वेश्चन की वैल्यू लेफ्ट हैंड से भी
एफ लेग लिमिट एक्सटेंडिंग वन एपेक्स इक्वल एफ वन, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है पर वैल्यू जो हमारी गिवन हुई उसमें लैम्डा इन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हैंस लैम्डा इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, द फंक्शन इज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल वन। एक्स इक्वल वन पे हमारी जो वैल्यू आई फाई और फाई उसमें लैम्डा की कोई भूमिका नहीं है, जब लैम्डा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है कंटिन्यूटी के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदर्श बुक। इफ एफ एक्स इक्वल साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, इसी तरह एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इक्वल जीरो थर्ड फंक्शन वन प्लस बी एक्स अंडरवुड माइनस वन अपॉन एक्स इफ एक्स ग्रेटर जीरो। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, उस कंडीशन में हमें फाइंड द वैल्यू ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू गिवन करनी है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है उस कंडीशन में जबकि लेस देन जीरो इक्वल और ग्रेटर। तो हम इसका सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल जीरो, तो एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब पूरे लेस देन जीरो वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां माइनस एच रखते हैं, माइनस एच, तो साइन ए प्लस वन माइनस एच प्लस टू साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो हमने एक्स की जगह माइनस एच, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां से माइनस यहां से, तो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो साइन ए प्लस वन इंटू एच प्लस टू साइन एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस। अब इस पूरे फंक्शन को एच से डिवाइड, तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग जीरो टू साइन एच अपॉन एच। तो साइन थीटा अपॉन थीटा के फार्मूला का यूज करने पर वैल्यू वन, यहां पर ए प्लस वन से मल्टीप्लाई और इस टर्म मल्टीप्लाई बाई ए प्लस वन, तो वैल्यू साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल वन, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल वन, तो ए प्लस वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन, तो ए प्लस वन प्लस टू इक्वल ए प्लस थ्री। तो लेफ्ट हैंड से हमारी वैल्यू ए प्लस थ्री वैल्यू गिवन हुई। अब इसी तरह एफ टू के लिए टू, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी, राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड ए प्लस थ्री, राइट हैंड लिमिट आर एच एन लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट
एच टेंडिंग जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो x की जगह प्लस h रिप्लेस करने पर लिमिट h टेंडिंग जीरो वन प्लस बी एच अंडरवुड माइनस वन अपॉन प्लस h। अब ये इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई ईच टर्म, तो लिमिट h टेंडिंग जीरो वन प्लस बी एच अंडरवुड माइनस वन इंटू वन प्लस बी एच अंडरवुड प्लस वन अपॉन एच वन प्लस बी एच अंडरवुड प्लस वन। तो स्क्वायरिंग फार्मूला यूज लिमिट एच टेंडिंग जीरो, तो स्क्वायरिंग से तो अंडरवुड कैंसिल वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन एच वन प्लस बी एच अंडरवुड प्लस वन। तो वन से वन कैंसिल, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग जीरो बी अपॉन वन प्लस बी एच अंडरवुड प्लस वन। एच की वैल्यू जीरो, तो वन प्लस वन इक्वल बी अपॉन टू, तो राइट हैंड वैल्यू बी बाई टू, लेफ्ट हैंड वैल्यू ए बाई थ्री एंड एफ जीरो। एफ जीरो पर गिवन है टू, एफ जीरो पर गिवन टू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ जीरो। एल एच एल हमारा ए प्लस थ्री, आर एच एल हमारा बी बाई टू एंड एफ जीरो हमारा गिवन हुआ टू। यदि इस फंक्शन को लेते हैं तो बी इक्वल फोर, तो बी का बी इक्वल फोर एंड अब इसको और इसको ए प्लस थ्री इक्वल टू, तो ए इक्वल माइनस वन, तो ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू प्लस फोर। यदि फंक्शन इज कंटिन्यूअस दैट इज ए इक्वल माइनस वन बी इक्वल फोर। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी बुक, इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स हमें गिवन है नॉट इक्वल जीरो इक्वल जीरो इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमें एक्स की वैल्यूज यानी बतानी है कि एनी नंबर्स के लिए भी, रियल नंबर्स के लिए भी ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन वन अपॉन एक्स है, तो साइन वन अपॉन एक्स जो साइन की वैल्यू होती है माइनस वन प्लस वन, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। जब मैं कोई भी काम, यदि मैं राइट हैंड हूं तो लेफ्ट हैंड से कोई भी काम करता हूं तो वो मेरा हाथ वीक होता है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड वन यानी माइनस पे चलेगा, राइट हैंड हमारा प्लस पे चलेगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड सोल्व करेंगे तो माइनस की हेल्प लेंगे और राइट हैंड जब सोल्व करेंगे तो प्लस की हेल्प लेंगे। इसी तरह साइन की वैल्यू मिनिमम लेफ्ट हैंड पे माइनस वन और साइन की वैल्यू राइट हैंड पर प्लस वन, तो इस चीज का हम विशेष फोकस करेंगे इसमें। तो हमारी जो साइन की वैल्यू है बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, तो एट एक्स इक्वल जीरो देन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो ये लेस देन जीरो हुआ, तो जैसे हम यहाँ पर नॉट इक्वल जीरो है तो इसी पर लेफ्ट हैंड रिप्लेस करेंगे और इसी पर राइट हैंड रिप्लेस करेंगे। तो अब हम लिमिट एच टेंडिंग जीरो माइनस एच का
स्क्वायर साइन वन अपॉन माइनस एच, तो ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस, साइन माइनस थीटा माइनस एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, सिंस साइन वन अपॉन एच, साइन वन अपॉन एच बी द फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, तो जो साइन की वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, फाइनाइट होने के कारण उसकी वैल्यू ओसिलेट होती रहती है माइनस वन टू प्लस वन, तो जब हमारी वैल्यू फाइनाइट होती है एच हमारा यहाँ पर जीरो है, तो जब हमारा एच जीरो है तो ये फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड हमारा जीरो गिवन हुआ, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू जीरो। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड आर एच एल माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस 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 प्लस, तो फिर हमारी वैल्यू ओसिलेट होनी है माइनस वन टू प्लस वन के बीच, सिंस साइन वन अपॉन एच बी द फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, तो राइट हैंड भी हमारा जीरो गिवन हुआ एंड जीरो पर वैल्यू गिवन है जीरो। तब एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ जीरो, तो अब हमारा जीरो एट एक्स इक्वल जीरो पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब जीरो पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग आर। सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स जिनको क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्लाई करके, यानी जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड गिवन करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसी तरह एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसाइन एंड टेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसी तरह कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा हमारा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसी तरह एल्जेब्रिक फंक्शन भी हमारा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन सम भी कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा और डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। आगे जब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे तो उनमें इनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कंटिन्यूअस के लिए, डायरेक्ट इनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कह देंगे कि पॉलिनोमियल रेशनल कंटिन्यूअस है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो मैंने रिमार्क बताया जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। थैंक यू।